बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप सो यू ऑल आर फाइन। टुडे वी विल स्टार्ट द इंग्लिश वर्क, वी विल राइट ना। आज हम राइट कर रहे हैं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रीवियस लेटर्स को रिवाइज करते हैं। ए ब ख ड ई फ ग ह आई ज क ल म। व्हाट कम्स आफ्टर म? ना। व्हाट कम्स आफ्टर म? ना राइट करना बिल्कुल बहुत आसान है। जैसे हमने मा राइट किया था वैसे ही हमने ना राइट करना है। सिर्फ इसका फेस वन टाइम मेक करेंगे तो ये ना बन जाएगा। ना का फ्रेंड है ना नेल। नेल मींस कील। ना का फ्रेंड नेल्स भी होते हैं, जो हमारे हैंड्स पे हमारी फिंगर पे नेल्स होते हैं वो वाले नेल्स भी, और ये नेल्स होते हैं जो हम दीवार में कील लगाते हैं उसको भी बोलते हैं नेल। ओके, हाउ टू राइट ना? फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन मेक हाफ राउंड slant line, go down, go up, again down, slant line, और यहाँ corner से इसको round करके इसकी leg को out करेंगे, it will become na। क्या बन गया ये? na। अगेन lines पर, how to write na in four lines? हमें required है middle two lines। middle two lines में हमारे पास आज का step है one dot slant line पर और one dot without slant line। मिडल टू लाइंस में हमने इसको डॉट के पेंसिल रख कर मेक करना है, ऊपर जाना है, राउंड करेंगे, लाइन के ऊपर आएंगे, स्लैंट लाइन के ऊपर वापस जाएंगे, कॉर्नर से थोड़ा सा पहले इसको राउंड करेंगे, लाइन को टच करेंगे, फिर कॉर्नर से राउंड सेकेंड स्लैंट लाइन पर और कॉर्नर से राउंड करके इसकी लेफ्ट को आउट कर देंगे, इट विल बिकम ना। डू नॉट राइट लाइक दिस, आप यहाँ से कॉर्नर मेक कर दें ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, इट इज़ totally wrong। you can write like this round slant line, go up, again round slant line and then leg out। how to write without slant line? slant line पर हम कैसे लिखेंगे without slant line? first of all round slant line, go up, line को touch करेंगे, round slant line and then leg out। एक चीज़ आपने बहुत ध्यान से याद रखनी है कि जब आपने ये वाला राउंड मेक करना है तो इस राउंड को और इस राउंड को आपस में ज्वाइन नहीं करना, उन दोनों को सेपरेट रखना है आपने। लाइक दिस आपने ऐसे नहीं करना कॉर्नर में करके और फिर यहाँ से आके ऐसे, इट इज़ टोटली रॉन्ग। यू कैन राइट लाइक दिस राउंड स्लांट लाइन, गो अप, राउंड एंड स्लांट लाइन, देन लेग आउट। मिडल टू लाइंस में आपने इस लेटर को राइट करना है ना को, और आपने मिडल टू लाइंस में ऊपर से इस राउंड को टच करना है, मतलब कि दोनों लाइंस के साथ अपने वर्ड को टच करके लिखना है। ये नहीं करना कि लाइन से ऊपर लिख दें या लाइन से आउट कर दें, सिर्फ और सिर्फ उनको टच करना है। ड्रिल द फ्रेंड ना नेल, नीट एंड क्लीन पिक्चर में कलर करें, अच्छे तरीके से अपने काम को वाइंड अप करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।